दीपाली राणा, आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेयर बाजार लाइव में आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार की शाम को 7600 आखिरकार पार हो गया। शनिवार की शाम को एक ऐसी जीत मिली जिसने एक बार फिर से अगर आप देखें प्रूव कर दिया कि रिकॉर्ड अभी भी कायम है। भारत वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान से अगर आप देखें हार नहीं सकता। यानी बीता शुक्रवार यानी पिछला वीकेंड और अगला वीकेंड जो आने वाला है वो भी अगर आप देखें फेस्टिवल से भरा होगा, और उसके बीच के तीन सेशन कितने वाइब्रेंट, कितने मजबूत, कितने सकारात्मक हो सकते हैं इस बात का जायजा लेंगे। इस बात की इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से स्टोरी क्या बन रही है, आईटी स्टोरी बन रही है, क्रूड और बैंक्स जिनके चलने का इंतजार है। देखते हैं आज कौन लीड करता है। लेकिन शुरुआत करते हैं एसजेएक्स निफ्टी से। जी, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो लगभग इस वक्त 20 अंकों पर कारोबार कर रहा है। बहुत मेहनत मशक्कत करके अगर आप देखें इस ट्रेजेक्टरी में आया है 7633। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बात करूंगा। लेकिन आज हमारी रणनीति क्या होगी, आज किस चीज पे हम फोकस करेंगे, क्या अगर आप देखें स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं। देखिए 75-50, 75-80 ये खरीदारी का जोन है। एग्जैक्टली अगर आप देखें इसके आसपास जहां आपको निफ्टी मिले वहां पर अपना अगर आप देखें एक बैंक का जोन रखिए। निफ्टी बैंक 15400 के स्टॉप लॉस के साथ शायद मैं एक खरीदार बनूंगा वहां पर। और अल्ट्राटेक्स में याद होगा आपको बीते शुक्रवार का इंडेक्स का सबसे बेहतरीन काउंटर रहा। आज इंडेक्स को डोमिनेट अगर कोई स्टॉक कर सकता है तो याद रखिए वो टेक महिंद्रा। क्यों करेगा डोमिनेट मैं आपको कुछ देर में समझाऊंगा। लेकिन निफ्टी अगर आप देखिए अगर आप खरीद के चलते हैं तो याद रखिए शुक्रवार की कैंडल को रिस्पेक्ट दीजिए, खूब रिस्पेक्ट दीजिए। और उसका लोअर एज था 75-20 जो कि आपके स्टॉप लॉस के तौर पे काम कर सकता है। दीपक, बिल्कुल, तो स्ट्रेटेजी पॉजिटिव साइड पर ही रहेगी इंडेक्स पर आज के लिए भी, क्योंकि जिस तरह की क्लोजिंग आई फ्राइडे के सेशन में और एसजेएक्स निफ्टी भी करीब 20 अंक ऊपर आया। लेकिन जब खुला था तब लाल निशान में था, ज्यादातर एशियन मार्केट दबाव में थे। तो जो रिकवरी एसजेएक्स निफ्टी और एशियन मार्केट्स में दिख रही है इनको देखते हुए लगता है कि जो होली से पहले शायद खुशनुमा माहौल मार्केट में बना रहे और तीन सेशन भी एक पॉजिटिव ट्रेड के नाम रहे। लेकिन ये वो शेयर्स होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे अगले एक घंटे के दौरान। वोल्टास, एनआईटी टेक्नोलॉजीज, कॉक्स एंड किंग्स, टोरेंट फार्मा, ल्यूपिन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी खरीदारी दिखी प्रीवियस सेशन में और कई सारे स्टॉक्स ऐसे जिनको खबरों के आधार पर चुना गया है। पीसी ज्वेलर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी पॉकेट पर ही फोकस रहेगा। इनफैक्ट क्लब सेंचुरी टेक्सटाइल्स, मेटल्स में खरीदारी हमने देखी थी, महिंद्रा सीआईओ ऑटो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ शेयर्स होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे। वीरेंद्र, आपके स्टॉक्स कौन से? जी हां, साथ ही जिन स्टॉक्स पर बात करूंगा देखिए उसमें शामिल है बोदल केमिकल, रामकी इंफ्रा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में बड़े एक्टिव थे। रामको सीमेंट इससे बात करूंगा मैं यहां पर, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा आज मेरा इंडेक्स का सबसे खराब देखिए पसंदीदा शेयर है। क्यों? भाव कॉपी के एनालिसिस में वो क्या चीज पकड़ी गई जो कि काफी शानदार है। एलएनटी पर भी नजर रखूंगा क्योंकि ये बड़े क्रिटिकल लेवल पे आ चुका है। उसके बाद बलरामपुर चीनी, ज्योमेट्रिक, वॉयसराय होटल और सिंजन, ये स्टॉक्स मेरे डालते रहेंगे। लेकिन वॉल स्ट्रीट से संकेत क्या है, रेस्ट ऑफ एशिया क्या कर रहा है, क्रूड की चाल कैसी रही, जानने के लिए समझने चलते सीधे न्यूज रूम संदीप के पास। इनफैक्ट रजत, माफ कीजिएगा रजत, मॉर्निंग, बताइए आज संकेत कैसे है? जो बिल्कुल, एशियन मार्केट से अगर आप क्यूज लेने की कोशिश करेंगे तो काफी मिक्स्ड है। कॉस्पी और ताइवान नेगेटिव टेरिटरी में, लेकिन चाइनीज मार्केट की पॉजिटिव ओपनिंग एक ट्रिगर बन गया। और इनफैक्ट एसजेएक्स निफ्टी ने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया, शुरुआत में लाल निशान में कामकाज कर रहे थे लेकिन अब 20 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त शो कर रहा है। ओवरनाइट क्यूज अगर शुक्रवार के सत्र में देखें तो आधे फीसदी के आसपास के गेंस यूएस मार्केट देते हुए नजर आए और ये लगातार फिफ्थ कंजेकेटिव वीक था जहां पर पॉजिटिव क्लोजिंग देखी हमने। हेल्थ केयर और फाइनेंशियल स्टॉक्स डोमिनेट कर रहे थे जिसमें गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन चेज सबसे ज्यादा इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे और यहां पर अच्छी तेजी बनी। कंज्यूमर सेंटीमेंट हालांकि जो आंकड़ा आया 90 ये मतलब हम देश पे थोड़ा गिरकर निकल के आया, लेकिन ओवरऑल बाजार इस समय तेजी में इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं इसमें मार्केट्स पे और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिजल्ट सीजन से पहले यूएस मार्केट्स काफी एक्टिव है और आधे फीसदी के गेंस के साथ बंद होते हुए नजर आए। यही हाल यूरोपियन मार्केट्स का भी था, कैक और डैक्स की पॉजिटिव क्लोजिंग बहुत मिलीजुली इनफैक्ट यहाँ पर ट्रेडिंग देखने को मिली थी। सीड्रल शेल जैसे स्टॉक्स टूट रहे थे, टलो ऑयल जैसे स्टॉक्स चल रहे थे, ऑयल एंड गैस स्पेस में एंग्लो अमेरिकन जैसे स्टॉक्स पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो अभी भी मैं कहूंगा बहुत मिक्स क्यूज है, ऑलरेडी मार्केट चल चुका है लेकिन एकमात्र ट्रिगर जो मार्केट्स को इस समय संभाले हुए वो है एफआईएस की खरीदारी बढ़ती है तो यहाँ से और बेहतर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल शुक्रिया रजत आपका। तो क्यूज ठीक ठाक हैं और स्पेशली एशियन मार्केट जो थोड़ी देर पहले दबाव में ट्रेड कर रहे थे वहां से थोड़े पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मिलने शुरू हुए हैं। ज्यादातर एशिया बाजार भरे निशान में आ चुके हैं और एसजेएक्स निफ्टी 22 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। जय ठक्कर हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनका कॉमेंट ले लेते हैं। जय, गुड मॉर्निंग। 7600 के ऊपर हम क्लोज हुए और शायद ये जर्नी आज भी कायम रहे एटलीस्ट एसजेएक्स निफ्टी को देखते हुए या फिर एशियन मार्केट्स का हाल देखते हुए, तो यही लगता है। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और निफ्टी क्या होगी और क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल, लास्ट वीक जब दीपाली हमारी बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि ओवरऑल एक रेंज में था मार्केट, 75-75-50 ऑन दी अपसाइड और 74, और रेंज जहाँ पे टूटेगी वहाँ पे एक मोमेंटम हमें फिर से आते हुए नजर आएगा और रेंज ऊपर की तरफ टूटेगी, यही मेरा अनुमान था लुकिंग एट द मोमेंटम इंडिकेटर्स जो हमें देखने में मिला। और अब 76
के ऊपर क्लोज होना इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर द निफ्टी. एक वीकली बेसिस पर एक ब्रेकआउट देखने मिला है दीपाली. वीकली चार्ट्स के ऊपर 7600 बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था जिसके पार निफ्टी नहीं निकल पा रहा था, अब निकल चुका है. तो आई थिंक द प्रोबेबिलिटी कि जो मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे 7650 के 7550 के ऊपर वो अचीव हो जाएंगे इनिशियली, और 7650 के ऊपर हमें गोइंग फॉरवर्ड 7725 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं. तो काफ़ी पॉजिटिव है. अब 7550 का स्टॉप लॉस लगाकर अगर किसी फ्रेश लॉन्ग भी करना है तो कर सकते हैं. सेकेंड टारगेट रहेगा 7725. तो लॉन्ग ट्रेड्स लिए जा सकते हैं निफ्टी पर आज के सेशन के लिए भी. लेकिन वीरेंद्र, भले ही वीकेंड में कोहली फैक्टर हावी रहा हो, होली फैक्टर शायद इस पूरे हफ्ते हावी रहे, इसको एटलीस्ट जिस तरह की क्लोजिंग फ्राइडे को, जिस तरह के इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच रही फ्राइडे को, और अब जिस तरह के एशियन मार्केट्स का बिहेवियर लग रहा है, लगता है कि मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा बीते तीन सेशन. देखिए दीपाली, एक चीज है, आई मीन थोड़ा सा अब हमें जिसे कहते हैं ग्राउंड वर्क बेस, वो भी एग्जैक्टली है कैसा, उसको बात करें. देखिए, एक स्टैटिस्टिक्स आया था आज, अगर आप देखें इस मार्च में अब तक FIIs ने, यानी पोर्टफोलियो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने काफी अच्छा खासा पैसा डाला है. जनवरी और फरवरी के अगेंस्ट अगर आप देखें कितना स्ट्रॉन्ग पैसा आया, तो FPIs का पैसा आया. और दूसरी बात एक चीज है, मीन आपने गौर करी क्या है, पिछले साल यानी CY15 में पैसा डेट मार्केट में जितना आया उसका ऑलमोस्ट 5/5 आया था इक्विटी मार्केट में. लेकिन इस बार इक्विटी मार्केट में 12,000 करोड़ रुपए आया और डेट मार्केट से 1,000 करोड़ रुपए निकला है. दैट मींस इंडिकेशन है कि अच्छा इंडिकेशन, इक्विटी मार्केट्स को पैसा चेज कर रहा है. अब आते हैं जरा FIIs के पैसे पर. इनफैक्ट FIIs ने कल काम कैसा कैच किया शुक्रवार को, आइए जरा एक बार शुक्रवार की स्टडीज देखते हैं. देखिए, FIIs ने 1700 करोड़ रुपए की खरीदारी करी, 1700 करोड़ रुपए की. और अगर आप उनके वायदा कारोबार के आंकड़ों को देखें तो उन्होंने करीब 539 करोड़ रुपए की खरीदारी करी. तो दोनों ही सेगमेंट में दिवाली उन्होंने काफी अच्छी खासी बाइंग करी है. DIIs तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं. देखिए, ये उनका टेक है, गलत नहीं है. जिसके पास प्रॉफिट पड़ा है वो प्रॉफिट निकालेगा और ये प्रॉफिट की डेफिनेशन यही होती है. लेकिन आप सेगमेंट वाइज देखिए FIIs ने क्या किया है. मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि शुक्रवार को 12 बजे एग्जैक्टली क्या हुआ था. इंडेक्स फ्यूचर्स 490 करोड़ का खरीदा, 315 करोड़ रुपए का इन्होंने इंडेक्स ऑप्शन खरीदा, ये भी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उनकी. और स्टॉक फ्यूचर्स में लगभग 171 करोड़ की बिकवाली. यानी मैं आपको दीपाली क्या समझाता हूं, कैश बाय, इंडेक्स बाय, इंडेक्स ऑप्शन बाय, और हेज कर दिया कैसे, स्टॉक फ्यूचर बेच के. इनफैक्ट एक बार जरा निफ्टी के चार्ट्स पे आइए, आप शुक्रवार के इंट्राडे चार्ट्स पे. मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, उस वक्त निफ्टी चला नहीं था, अभी वक्त था लगभग 12:15, 12:30 बजे के आसपास का. इनफैक्ट मैं न्यूज रूम में बैठा था, रजत और मैं डिस्कशन कर रहे थे ऑप्शन स्ट्रेटजीज के बारे में दीपाली. सडनली आप देखिए, बाजार के चलने से पहले, जब से पहले निफ्टी भागता उससे पहले 7400 और 7500 की पुट में जोरदार राइटिंग शुरू हुई निफ्टी के चलने से पहले, और 7500 की पुट को कोई आकर बेच रहा था. और IVs जो थी, याद रखिए वेगा जो था वो निफ्टी की पुट्स का रिड्यूस हो रहा था, और निफ्टी बाद में 7,71,000 शेयरों के ओपन इंटरेस्ट के बीच में भागा. अब आप देखिए जरा दिमाग पुट पर आइएगा, पहले आज मैं पुट पर समझाना चाहता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ. 7600 की पुट में 6 लाख, ये अभी आपकी एट द मनी पुट है याद रखिएगा, और 7500 की पुट में 11 लाख, और 7400 की पुट में 6 लाख. और अगर आप कॉल्स को देखें, कॉल्स में क्या हुआ, अगर आप कॉल्स पे आए 7600 की कॉल में 6 लाख शेयर घटे, यानी एट द मनी कॉल को देखा दीपाली आपने, पुट में राइटिंग और कॉल में शॉर्ट कवरिंग. 7700 की कॉल में 1.25 लाख, 7800 की कॉल में 2 लाख. अब मैं ये कह सकता हूं अगर मैं दोनों पैरिटी को देखूं तो कॉल में बहुत स्ट्रांग बाइंग नहीं है, बहुत स्ट्रांग बाइंग नहीं है, लेकिन कॉल राइटर बैकफुट पे है, और पुट्स में बहुत डिसाइसिव पुट राइटिंग है, और इनकी IVs काफी बहुत ड्रॉप हुई है. वेगास जो होते हैं ना पुट के, वो काफी ड्रॉप हुए हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि पुट राइटिंग काफी ज्यादा हुई है. जरा आप एक बार मेरी कमेंट्री पे आइए एग्जैक्टली, उसमें 2-3 पॉइंट जो मैं मेंशन कर रहा हूं. देखिए, 74 और 75 के स्तर पे जो शुक्रवार को पुट राइटिंग हुई है वो काफी ज्यादा है. और आप देखिए कि 74 और 75 की पुट का कंसोलिडेटेड ओपन इंटरेस्ट है 1,30,00,000, 1,30,00,000. तो ये मामूली बात नहीं है दीपाली. अब करना क्या है, देखिए मैं निफ्टी मान लीजिए, देखिए शुक्रवार को हमने क्या कहा था, जैसे ही 7580 यानी 100 डेमा पार हो बाय निफ्टी. स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए याद रखिए, शुक्रवार को आपने 100 डेमा पार किया है तो उस कैंडल, जिस कैंडल के साथ आप 100 डेमा के ऊपर आए हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. उस कैंडल को आपको सम्मान देना है, और उस कैंडल का लो है याद रखिए 7520, यानी एज पर द ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स जो पुट सबसे ज्यादा OI लेके खड़ी है वो है 7500 की, और हमारे उस कैंडल का लो क्या है 7520. तो मैं 7520 के स्टॉप लॉस के साथ, याद रखिए मैंने एक बात और कही थी दीपाली कि 76 से लेकर 7781, दैट मीन्स
100 डेमा से लेकर 200 डेमा के बीच में निफ्टी को ट्रेड करना सबसे मुश्किल है, याद रखिए। इसीलिए यहां पे आपको स्टॉप लॉसेस थोड़े से वाइड देने पड़ेंगे, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा होंगे, स्विंग बहुत वाइल्ड हो सकते हैं। तो आपको अपने उस स्टॉप लॉस को अपने स्विंग से सिक्योर करके चलना चाहिए। तो स्टॉप लॉस 75-20, टारगेट क्या होगा? आई थिंक दीपाली 76-70। क्यों? क्योंकि 76-70, याद रखिएगा चार्ट पे देख लीजिए, 76-70 और 77-30 के बीच में डेली चार्ट्स पर एक गैप पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा? 76-70। बिल्कुल, पहला टारगेट जो होगा वो 76-70 का होगा निफ्टी पर। तो वैसे भी इंस्टीट्यूशंस के अप्रोच हो, डेरिवेटिव डेटा हो, इंटरनेशनल क्यूज हो, सभी को देखते हुए इंडिकेशन यही लग रही है कि ट्रेंड मार्केट में पॉजिटिव रहे, स्लो एंड स्टडी मूवर रहे अगले 3 सेशंस में, इंक्लूडिंग आज का। लेकिन जय, ट्रंकेटेड वीक है, थर्सडे फ्राइडे को मार्केट क्लोज है, लेकिन इन 3 सेशंस के लिए या फिर आज के लिए अगर कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज तलाशनी हो या फिर कहें कि किस सेक्टर मैं आप मानते हैं कि मोमेंटम बना रहेगा, वो कौन सा रह सकता है? बैंक्स पर आप बेट करेंगे, आप मेटल्स आपको ठीक लग रहे हैं, एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी क्या इन 3 सेशंस के लिए? वेल दीपाली, ये पूरे ही राइज में हमने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर ने भी काफ़ी हेल्प किया निफ्टी, और निफ्टी में वेटेज काफ़ी है बैंक्स का। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो फ्राइडे के सेशन में हमें निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने मिला, बैंक निफ्टी इतनी बड़ी नहीं थी कंपेयर टू निफ्टी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में और खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी एक अच्छा मूव हमें ये वीक में देखने मिल सकता है। स्टॉक्स लाइक कोटक बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, ये सारे बैंक्स में मुझे ऐसा लग रहा है एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो बैंक्स एक सेक्टर ऐसा रहेगा। सेकंड है मेटल्स, डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड है और अच्छे मोमेंटम में है। दिवाली लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था, इनफैक्ट सारी मेटल स्टॉक्स में एक अच्छे ब्रेकआउट देखने मिले थे, तो मेटल्स भी आई थिंक एक अच्छा प्रूफ करेगा। लाइक जिंदाल स्टील हो या तो फिर वेदांता हो, सेल हो, सारी कंसोलिडेशन रेंज में से निकले। सो आई थिंक मेटल्स और बैंक ये दो काफ़ी फ्यूचर्स साइड पर आई थिंक जो फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स में, आई थिंक ये दो सेक्टर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और निफ्टी को हेल्प करेंगे टूवर्ड 77-25। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। एजिक्स निफ्टी अभी भी करीब 20 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं 7636 के लेवल्स पर। लेकिन प्रीवियस सेशन में कह सकते हैं कि एक सेक्टर जिसने इनिंग संभाली हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट टीम की, तो वो है मेटल्स। वहीं विरेन अग्रेसिव कैटेगरी में हम प्लेस करते हैं बैंक्स को, कैपिटल गुड्स को, ऑटोज को। लोअर लेवल से पुल बैक दिखाया इन स्टॉक्स ने, लेकिन स्ट्रेंथ जो रिफ्लेक्ट हुई थी वो भी सस्टेन नहीं कर पाई है। तो अगर एक बैट्समैन पर आपको बेट करना हो इंडियन स्टॉक मार्केट टीम से, तो वो कौन सा होगा? देखिए बैंकिंग में दीपाली, मैं मान के चलिए कि बैंक्स जो होते हैं ना, उनके साथ एक डेफिनेशन बड़ी अच्छी सूट होती है, स्टैंड एंड डिलीवर। जब खड़े हो गए तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिए एक SBI और ICICI बैंक, मैं दोनों कैटेगरी में किन किन स्टॉक्स को प्लेस कर रहा हूं, और इनफैक्ट जय आपकी राय भी चाहूंगा इस पे। एक हो गया शिखर धवन और एक हो गया रोहित शर्मा। SBI और ICICI बैंक, शिखर धवन और रोहित शर्मा, अगर ये चल गए और तो ये निफ्टी बैंक का जो बेड़ा है ना वो वैसे ही पार कर देंगे। एक बार जरा प्लीज जरा आप मेरी कमेंट्री पे आइएगा SBI पर, और सॉरी निफ्टी बैंक पर एक चीज देखिएगा आप जाए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और FIs ने क्योंकि ऑप्शंस में कामकाज बहुत किया है, तो मैं ये जो पॉइंट है ना व्यूज का शेयर करना चाहता हूं। 15,500 के पुट राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए, वो फिर बना और 15,500 में काफी अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि याद रखिए 16,000 का कॉल राइटर बाहर निकल रहा था। जय निफ्टी ने 100 डेमा पार कर दिया, लेकिन आपका निफ्टी बैंक जो है अभी 100 डेमा पार नहीं कर पाया है, वो है 18,700 का क्लस्टर। आपको क्या लगता है कि ये जो गैप है, ये डिफरेंशियल है, ये आज सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? यानी मतलब निफ्टी बैंक भी 100 डेमा के ऊपर आके चलेगा, और चलेगा तो कहां तक जाएगा? और अगर आपको निफ्टी बैंक की बास्केट में से 2 स्टॉक पिक करके दाव लगाना है तो वो कहां लगाएंगे आप? वीरेन बिल्कुल डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने दीपाली को भी बताया कि ये वीक अगर फोकस करने लायक कोई सेक्टर रहेंगे और निफ्टी को जो ऊपर लेके जा सकता रहेगा तो मेटल्स और बैंकिंग ही। और आई थिंक बैंकिंग कहीं ना कहीं वीरेंद्र पिछले काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट भी देखने मिला, बट देन अगेन ऑन दी हायर लेवल्स 15,750 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आई थिंक वो लेवल्स जैसे ही निकलते हैं 15,750 के बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमीडिएट बेसिस पर 16,300 जो हमारे टारगेट्स भी है बैंक निफ्टी पर, वो हमें देखने मिल सकते हैं। दैट कैन हैपन दिस वीक एज वेल। तो अगर 15,750 यही आज ही के दिन निकलते हैं तो 16,300 यही वीक में एज एन वेनसडे तक ही हमें देखने मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और वो पूरे सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर ही बैंक्स मुझे ऐसा लग रहा है वीरेन, दैट कैन हेल्प बैंक निफ्टी 2 इंच हायर। जैसे मैंने एक्सिस और कोटक बताया था, ICICI भी डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट है और एक अपमूव के लिए, बट एक्सिस और कोटक मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं और आई थिंक दिस टू बैंक्स विल डिलीवर गुड रिटर्न्स गोइंग फॉरवर्ड।
जी चलिए इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स को देख लेते हैं। नवभारत और टाटा पावर दोनों स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए। खबर है कि तेलंगाना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को पावर सप्लाई के लिए करार किया है और करीब 200 मेगावाट पावर सप्लाई के लिए करार हुआ है, तो इन शेयरों पर आप नजर रख सकते हैं आज के सत्र में। ब्रिटानिया पर भी खबर है कि शेयर रजिस्ट्रार शेयर प्रो सर्विस के साथ करार तोड़ने की योजना है, डिविडेंड एनकैशमेंट और इररेगुलरिटी के चलते ये करार टूट सकता है। तो ब्रिटानिया प्रीवियस सेशन में 11 रुपए की कमजोर साथ क्लोज हुआ, एक शेयर है एनएमडीसी FY16 के लिए 1.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। इससे ये इनफैक्ट सेकंड डिविडेंड है कंपनी की ओर से, पहले भी डिविडेंड आया था अभी कुछ सेशन पहले जहां पर 9.5 रुपए के डिविडेंड की कंपनी ने घोषणा की थी। बस तो यही था कि 9.5 रुपए की अनाउंसमेंट आ सकती है, लेकिन करीब 1.5 रुपए प्रति शेयर के आसपास की अनाउंसमेंट आई है। अब एनएमडीसी की बात हुई तो जय मैं मेटल्स पर यहाँ पे कमेंट्स ले लेती हूँ। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट टीम की किसी ने इनिंग संभाली हुई तो मेटल्स हैं, वेदांता, हिंडालको, एनएमडीसी, टाटा स्टील, ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। स्टीम आपको लगता है अभी भी बची हुई इन शेयरों में, कहीं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मौजूदा लेवल्स पर आप देख सकते हैं मेटल्स में? बिल्कुल दीपाली, सेल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न में से अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। 47 तक के टारगेट्स बन रहे एटलीस्ट फॉर दिस वीक, 41 का एक स्टॉप लॉस लगा, अगर यहाँ पे एक बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। वेदांता में ऑलरेडी जो 7-7.5% अप था लास्ट वीक में एज इन फ्राइडे को ही, आई थिंक वहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट देखने मिल चुका है, वहाँ पे भी एक बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 89 का स्टॉप लॉस लगाकर अराउंड अबाउट 101 तक का टारगेट बनेगा ये इस वीक के लिए। एनएमडीसी में भी बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने मिला है दीपाली, और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एक डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ब्रेकआउट देखने मिला है। एनएमडीसी में मेरा ये मानना है दीपाली, अगर 99 तक के लेवल्स अगर हमें निकलते हुए दिखते हैं 99 के ऊपर बाय करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पर 111-115 तक के टारगेट्स बन रहे हैं। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 95 का। सो ये ऐसे तीन स्टॉक्स है, और टाटा स्टील डेफिनेटली एक अच्छे ट्रेंड में है, ट्रेंड में तो टाटा स्टील में भी बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। आई थिंक सारे मेटल स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, हिंडाल को ही एक ऐसा स्टॉक है दीपाली जो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जो मूव ऑलरेडी हमें देखने मिला है तो शायद वहां पे थोड़ा मोमेंटम कम हो जाए। तो आई थिंक हिंडाल को में अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन हो सो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, रेस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक स्टिल लुक वेरी अट्रैक्टिव। जी इसके बाद कुछ और खबर देख लीजिए, और विंडो फार्मा के संदर्भ में खबर है और नेप्रोक्सिजिन टैबलेट के लिए USFDA जो है मंजूरी मिल गई। दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है, तो अरविंदो फार्मा पे आज एक अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर, शायद एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर एक मोमेंटम शुरुआती टिक्स में देखने मिले। उसके बाद SKS माइक्रोफाइनेंस अच्छी खबर भी है, और इनफैक्ट क्रमबद्ध तरीके से खबर पहले भी आई है, और 538 करोड़ रुपये का जो सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस है उन्होंने पूरा कर लिया है, यानी जो FY16 के लिए कुल 2320 करोड़ रुपये का ये प्रोसेस था इसको कंपनी ने पूरा कर लिया है। तो SKS माइक्रोफाइनेंस इस दौर का सबसे, अगर आप देखें, बेहतरीन, और इस दौर का क्या बीते एक साल में, और आई थिंक अगर अगले कुछ समय के लिए पूछे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से सबसे बेहतरीन चार्ट। और बाकी अगर आप देखें फोर्टिस हेल्थ केयर, इस पर भी नजर रख के चलिएगा, और ललिता हेल्थ में हिस्सेदारी जो उन्होंने बढ़ाई है, पहले इनका स्टेक था 67.20%, अब वो बढ़ के करीब करीब 80% के आसपास जा चुका है, और सब्सिडी के जरिए इन्होंने जो हिस्सेदारी है बढ़ाई है, बढ़ाने की योजना है, माफ कीजिएगा। तो एग्जैक्टली अगर इन तीनों में से अरविंदो फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर और साथ ही साथ आई थिंक SKS माइक्रोफाइनेंस, अगर जय आपको एक स्टॉक पकड़ना हो आज के लिए, आई थिंक मान लीजिए मैं इस न्यूज़ पे अपना एक ट्रेड करना चाहता हूँ, तो मेरे टारगेट स्टॉप लॉसेस क्या होंगे और इन तीनों में से कौन सा ट्रेड पकड़ेंगे आप? आई थिंक चार्ट्स पर जो सबसे बढ़िया लग रहा है वीरेंद्र, और जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो 40 हेल्थ केयर है। मुझे ऐसा लग रहा है जो वीकली कंसोलिडेशन में से ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, आई थिंक यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशंस बनानी चाहिए। 173 का स्टॉप लॉस रहेगा 40 हेल्थ केयर में, हालांकि उसके 52 वीक के आसपास काफ़ी आ चुका है और वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो स्टॉक, पर जो हिसाब से वीकली मोमेंटम में वीरेंद्र बाय क्रॉसओवर देखने मिला है, आई थिंक उसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे अराउंड 192 के आसपास, आई थिंक वो निकल जाएंगे इस वीक, और इसमें बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने मिलेगा, लगभग 215 तक के टारगेट्स बन रहे मीडियम टर्म में। आई थिंक 40 में, यू नो, 40 वुड बी माय प्रेफर्ड बेट गोइंग फॉरवर्ड। जी कुछ और शेयर्स यहां पर खबरें हैं, उनमें एक एक्सेल फ्रंटलाइन छोटा स्टॉक है, पर इस पर आप नजर रखिए, पॉजिटिव खबर है कि सेबी ने प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स पर जो बैन लगाया गया था उसको हटाया है, 53 रुपए का शेयर है। पेज इंडस्ट्रीज एक और शेयर जहां पर खबर है और इन्फॉर्मेशन है कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड में करीब 1.5% हिस्सा खरीदा है और बल्क डील के जरिए हिस्सेदारी खरीदी गई है, तो पेज इंडस्ट्रीज पर भी आप नजर रख सकते हैं, हालांकि एक्सपेंसिव कैटेगरी का यह शेयर है। मार्क्सन्स फार्मा पर भी खबर है कि वैनगार्ड इंटरनेशनल ने कंपनी के करीब 23 लाख शेयर खरीदे हैं और बल्क डील के जरिए यह हिस्सेदारी खरीदी गई है। इनफैक्ट फार्मा पर ही कमेंट ले लेते हैं, अभिजीत पॉल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत गुड मॉर्निंग। फार्मा में काफी सेलिंग प्रेशर बीते कुछ सेशंस में इमर्ज हुए हैं, फिर चाहे वो लार्ज कैप्स हों या फिर स्मॉल कैप्स ही क्यों ना, ल्यूपिन का बिहेवियर देखिए बीते कुछ सेशंस का, स्मॉल कैप पॉकेट में मार्क्सन्स फार्मा जैसे भी काफी हिट हुए हैं। एग्जैक्टली भी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है यहाँ पर आपके शॉर्ट साइड पर, या फिर कोई कॉन्ट्रा कॉल आपके जहन में आती है फार्मा स्पेस से ही अभिजीत?
दीपाली गुड मॉर्निंग जी लास्ट वीक अपने को वी डिड मैनेज टू सी सम अमाउंट ऑफ सेलिंग प्रेशर फार्मा लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स में स्टॉक्स विच वेर होल्डिंग वेल लास्ट टू लास्ट वीक लाइक स्टॉक्स लाइक सन फार्मा एंड ल्यूपिन एक्चुअली काफ़ी हद तक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था एंड दे केम ऑन द बैक ऑफ प्रीटी गुड वॉल्यूम्स एज वेल जो इमीडिएट और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है इन टर्म्स ऑफ बोथ दिस टाइम फ्रेम जो प्राइस ड्रिफ्ट है दैट्स वेरी मच ऑन द डाउन साइड So I think that this selling pressure would probably persist a little bit more and we should not try to time it right now. Pharma sector, ko, I think we should give it a little more time to consolidate rather than to chase or, preempt bottom. Yeah, in this case, let's see some stocks to watch. Marksans Pharma, Vanguard International, has bought about 24 lakh shares. Bulk deal, if you look at it, it's sold. So Marksans Pharma, let's keep an eye on it. This is a very volatile stock. 100 से 70, 70 से 34, 34 से फिर 50, बीच में जवान भी गया था ये देख लीजिए उसके बाद अगर आप देखें एक अदानी पोर्ट्स गिरवी रखे हुए कि लगभग 40 लाख शेयर छुड़ाए गए हैं तो एक यहाँ पर अच्छी खबर है तो अदानी पोर्ट्स पे आप नजर रख के चलिएगा उसके बाद पिरामल एंटरप्राइजेस एन सीरीज के जरिए रकम जुटाने की बोर्ड को मंजूरी मिली है और करीब करीब 100 करोड़ रुपये जुटाने की इनकी योजना है तो एक पिरामल एंटरप्राइजेस न्यूज़ फ्लो ठीक ठाक है और एनबीसीसी दरअसल यहाँ पे खबर यह है कि एचएससीएल के टेकओवर को बोर्ड की मंजूरी है शुरुआत में सब्सिडी को के तौर पर कामकाज करेगी एचएससीएल और कुल जो इस कंपनी की जिसके टेकओवर की बात कर रहे हैं उसकी ऑर्डर बुक जो है आप देखिए कितनी बेहतरीन है 8000 करोड़ रुपये की तो एनबीसीसी इस दौर का अगर आप देखें सबसे बेहतरीन स्टॉक भी रहा है अपने सेगमेंट का लीडर रहा है एनबीसीसी इस पर भी नजर रखिएगा और एक टोरेंट फार्मा 23 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है क्यूआईपी और बॉन्ड डिबेंचर जारी करने को लेकर इसमें फैसला इस बैठक में लिया जाएगा इनमें से कोई स्टॉक आपको स्ट्राइक कर रहा है मार्क्सन्स पिरामल एंटरप्राइजेस एनबीसीसी टोरेंट फार्मा जय टोरेंट फार्मा डेफिनेटली वीरेंद्र ये मेरे रडार में रहा है इनफैक्ट ये स्टॉक हम काफ़ी समय से रेकमेंड करते आ रहे हैं और ये स्टॉक में जो मोमेंटम और वॉल्यूम्स देखने मिला है इस क्वाइट गुड एंड आई थिंक टोरेंट फार्मा में जो हिसाब से अब 52 वीक हाई के ऊपर क्रॉस अगर ये होता है वीरेंद्र That is above the levels of 253. I think above 250 is a straight away it goes to 280. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में एक ध्यान रखना चाहिए 252 के ऊपर buy positions initiate कर सकते हैं ये स्टॉक में I'm sorry, ये टोरेंट पावर की बात कर रहा हूँ मैं आई थिंक टोरेंट फार्मा जो है आई थिंक अराउंड 1330 तक का जो लेवल है वो इमीजिएट एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है 1330 का लेवल जैसे निकलता है वीरेंद्र आई थिंक इमीजिएटली दिस स्टॉक हैज अ टारगेट ऑफ 1410 तो टोरेंट फार्मा एक ऐसा स्टॉक रहेगा जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बाय करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड देखने मिल सकते हैं इसके अलावा एक शेयर आप देखिए वो है वोल्टास का कल ही नहीं बीते 2-3 सेशंस में काफी स्ट्रॉन्ग मूव किया है शेयर ने और अगर फ्राइडे की प्रिसाइसली बात करें 7% के गेन्स लेकर यह स्टॉक क्लोज हुआ 269 के लेवल्स पर और ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से गर्मियां जल्दी शुरू हो गई साउथ रीजन में स्पेशली काफी सिचुएशन काफी वर्स्ट होनी शुरू हो गई है ऐसे में एसी की जो डिमांड है उसमें इजाफा हो सकता है और इनफैक्ट इसके रिफ्लेक्शंस बनने शुरू भी हो गए हैं कुछ एक रीजन में तेलंगाना रीजन वगैरह में एसी की जो डिमांड है उसमें काफी इंक्रीज हुआ भी और हाल ही में कई सारे ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई थी जिसमें उन्होंने वोल्टास को पिक किया और कहा है कि इस बार की जो समर सेल्स हैं वो काफी इंप्रूव हो सकती हैं और उस पर्सपेक्टिव से खरीदारी की राय दी थी लेकिन अभिजीत टेक्निकल पर्सपेक्टिव से वोल्टास पर आपके कॉमेंट्स क्या है 269 पर प्रीवियस सेशन में क्लोज हुआ था Well, Dipali, बिल्कुल लास्ट दो हफ्ते में वोल्टास हैज मैनेज टू गिव अ प्रीटी गुड बाउंस बैक बट जब मैं इसका वीकली मंथली चार्ज देखता हूँ तो उतना ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है 320 टू 210 का जो सेल ऑफ देखने को मिला था वो काफ़ी शार्प था काफ़ी वन वे था एंड उसका क्लोज टू 50% रिट्रेसमेंट अभी तक हो चुका है बट आई सेंस दैट यू नो क्लोज टू दैट रेंज ऑफ 280 to 290 हाई पॉसिबिलिटी दैट द स्टॉक विल प्रॉब्ली फेस प्रीटी गुड रेजिस्टेंस short term trading point of view I think we have missed the bus doesn't make sense to chase the stock right now जी चलिए इसके अलावा वक्त हो गया ये जानने का कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है यानी दिन भर जी बिजनेस पर कुछ चुनिंदा कॉल्स आपको बताई जाती हैं शुरुआत होती है स्टॉक ऑफ द डे से ही 8:30 बजे हैं और यही जानने के लिए चलते हैं सीधे न्यूज रूम सुमित के पास सुमित आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आपने खुद अपने लिए जो पैरामीटर है वो 8% 10% का एटलीस्ट आपने रखा है प्रीवियस परफॉर्मेंस के आधार पर तो ऐसे में आज के लिए कौन सा शेयर है
शुक्रिया दीपाली. हफ्ते का पहला दिन है इसलिए काफी चैलेंजिंग रहती है सिचुएशन कि आज कैसा रहने वाला. लेकिन हाँ, आज जो शेयर चुना गया है वो ऑटो एंसिलरी स्पेस से है. मैन एंड बियरिंग को चुना है. इसको चुनने की वजह दोनों आधार पर, पहले फंडामेंटल ग्राउंड्स पर सुन लेते हैं कि कंपनी ऑटो एंसिलरी कारोबार के अंदर है. कारोबार वैसे भी ऑटो की डिमांड है उसके आधार पर चलता है, तो एक अच्छी सेल्स के नंबर साफ साफ तौर पर इनकी भी डिमांड स्पर्ट करता है. दूसरा, कंपनी के पिछले क्वार्टर के रिजल्ट देखे, 40% मुनाफे में इजाफा देखने को मिला. ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करीब 4 से बढ़ के 5.5 से 6 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इंप्रूवमेंट है और नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ है. इंटरेस्ट कॉस्ट को कंपनी ने रिड्यूस किया सब्सटेंशियली, करीब 40% के आसपास रिड्यूस किया है. और ये रिडक्शन कंपनी की बॉटम लाइन में साफ तौर पर रिफ्लेक्ट भी हुआ है. हो सकता है अगले क्वार्टर के अंदर भी इसका एक असर आता हुआ दिखाई पड़े. तो ये तिमाही दर तिमाही आधार पर नंबर अच्छे हैं. एक और अहम चीज़ यह है कि वैल्यूएशन काफी साउंड हो चुके हैं. करीब 3-3.5 रुपए के आसपास की ईपीएस है और 16-17 के मल्टीपल पर शेयर मिल रहा है, जबकि पूरा सेक्टर जो है वो करीब 29-30 के मल्टीपल में मिलता है. तो सेक्टर वाइज भी अगर देखें या कंपेयर करेगा सेक्टर के मुकाबले भी, तो कंपनी की वैल्यूएशन फिर भी थोड़े साउंड दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए भी आप इसे देख सकते हैं. उसके अलावा अच्छे कैश फ्लोज भी हैं, डिविडेंड भी ठीक ठाक देती है, रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी ने दिया है. तो ये तो फंडामेंटल की बात हो गई. अब टेक्निकल ग्राउंड्स भी देख लेते हैं. लगातार जो बाजार की गिरावट आई उसके बावजूद भी शेयर 200 DEMA के ऊपर ही बना रहा, उसको होल्ड भी किया. इनफैक्ट पूरे मार्च के दौरान अपने आप को आर्ली चार्ट से कंसोलिडेट भी किया है. साथ ही साथ वीकली चार्ट भी मजबूत है. 50-100 इन दोनों DEMA के ऊपर एक पार करने के बाद एक बड़ी तेजी की उम्मीद यहाँ लगाई भी जा सकती है. साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि 56 रुपये जो एक स्तर है वो काफ़ी एक मजबूत यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है. हो सकता है उसे होल्ड भी करे. इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए इंट्राडे के लिए टारगेट्स दिए जा रहे हैं करीब करीब 62 रुपये के आसपास है. हालांकि लॉन्ग टर्म टारगेट्स में अभी भी 20-25% का एक अपसाइड जानकारी पे मान रहे हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए आप यहाँ पे 62 रुपये के टारगेट्स के लिए से देख सकते हैं. शुक्रिया सुमित आपका. तो मैन एंड बियरिंग है आज का स्टॉक ऑफ द डे. जो इंटरडे पर्सपेक्टिव से लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं वो हैं 62 के, यानी 62 के टारगेट्स के लिए आप इस शेयर को देख सकते हैं. ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देखा था 3-3.25% की बढ़त के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था, लेकिन फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों के ही आधार पर इस शेयर को चुना गया है. तो नजर रखकर चलिए मैन एंड बियरिंग पर आज का स्टॉक ऑफ द डे. गौरांग शाह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं. गौरांग, गुड मॉर्निंग. ऑटो एंसिलरी पैक पर ही आपसे कमेंट ले लेते हैं. अभी स्टॉक ऑफ द डे में मैन एंड बियरिंग की बात की सुमित ने, लेकिन इस पूरी पॉकेट में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया प्रीवियस सेशन में. महिंद्रा सीआई ऑटो एक और शेयर था जहां पर काफी स्ट्रॉन्ग मूव था. ऑटो एंसिलरी स्पेस से प्रिसाइसली कुछ शेयर जहां जो आपको मौजूदा लेवल्स पर काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि हमने बैटरी स्टॉक्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम देखा है. मदरसन सुमी जैसे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, टायर्स में भी काफी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहे हैं. तो एक्जैक्टली क्लासिफिकेशन कैसे करना चाहिए, एक स्टॉक या फिर दो शेयर जो कि आपको ठीक लग रहे हैं इस पॉकेट से? सुप्रभात दीपाली, भारत फोर्ज, मदरसन सुबी और बॉश, ये तीन हमारी कवरेज है ऑटो एंसिलरी पैक में. अदर देन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिनका सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है लोअर कमोडिटी प्राइसेस, खास करके रबर और कच्चा तेल. लंबी अवधि के नज़रिए से हम ये तीन भारत फोर्ज, मदरसन सुबी और बॉश जो OEM सेगमेंट से बिलोंग करती है वहाँ पर ख़रीदारी की कवायद करेंगे. और सिर्फ नए ऑर्डर के आधार पे नहीं, रिप्लेसमेंट मार्केट भी बहुत बड़ा मार्केट है इन सब OEM कंपनीज के लिए. जी हाँ, चलिए अभी एक बार हमारी जो शुक्रवार की इनिशियल कमेंट्री थी उसमें हमने एक स्टॉक लिया था, आपको याद होगा कि आज निफ्टी को कौन डोमिनेट कर सकता है, अल्ट्रा टेक सीमेंट. जरा प्लीज एक बार आप अल्ट्रा टेक सीमेंट की प्राइस परफॉर्मेंस दिखाइए. लगभग डे हाई पर पैसे से पैसा मिला के देख लीजिए, 81 रुपये बढ़ के बंद हुआ. ऐसा ही निफ्टी में कौन सा स्टॉक है, देखिए तीन पैरामीटर्स पे, कैश वॉल्यूम्स, डिलीवरी वॉल्यूम्स, फ्यूचर स्टैटिस्टिक्स और ऑप्शन, चार पैरामीटर्स पे मैंने स्टॉक इन्फेक्ट आज देखी कौन सा. जरा प्लीज मेरे इन्फेक्ट थोड़े रिसर्च ग्राफिक्स है. ये टेक महिंद्रा 492 पे क्लोज हुआ, काउंटर डे हाई पे बंद हुआ. दूसरी चीज क्या थी, आपने इसके जाके फ्यूचर्स को चेक करिए, 3 लाख शेयर घटे, ये स्टॉक अपने 100 DEMA के ऊपर आके क्लोज हुआ. 3 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में घटे. और एक आप चीज देखिए कि डिलीवरी वॉल्यूम 67%. और चौथी सबसे बड़ी चीज ये है कि क्योंकि देखिए याद रखिएगा FIs कामकाज कर रहे हैं ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में, दोनों में. तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि जहां वे बहुत बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है और ऑप्शंस में जहां कामकाज हुआ है आप उसको मॉनिटर करना चाहिए. अभी कुछ देर में आपको इंपैक्ट में दो स्टॉक ऑप्शन कॉल भी दूंगा. 492 पे क्लोज हुआ, 490, 500, 510 और 520, ये तीन स्ट्राइक्स में लगभग 75,000 शेयर जुड़े.
70,000 माफ कीजिएगा 500, 510, 520 में, और अगर आप पुट राइटिंग देखिए, यानी जिसने कैश में खरीदा, फ्यूचर कवर किया, जिसने पुट बेची, जिसने कॉल खरीदी, इन चार सर्कमस्टेंसेस के साथ शायद आप इस स्टॉक पे अगर आप देखें एक व्यू बना के चलिएगा। आई मीन एक बार सिंस यू गो थ्रू द डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स एज वेल, अभिजीत आपकी अप्रोच क्या होगी टेक महिंद्रा पे, ये क्या 520 जिस प्रकार की बुल स्प्रेड क्रिएट हुई है इस स्टॉक में, 520 लुक्स पॉसिबल, या फिर ये आज क्या डोमिनेट कर सकता है इंडेक्स को? विरेन पॉसिबल तो है, इनफैक्ट 520-530 का जो बैंड है वहीं पे एग्जैक्टली वी हैव सम अमाउंट ऑफ सप्लाई, एंड जो रेजिस्टेंस बैंड है वो काफ़ी स्टिफ है, और रीसेंट रैली जो अपने को देखने मिला है वो द लास्ट 3 वीक्स वॉल्यूम्स हैव बीन फेयरली पार्टिसिपेटिव ऑल्सो, मोमेंटम हाई है, लास्ट वीक में दिस सेक्टर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड रियली वेल, सपोर्टेड द इंडेक्स। सो अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है देन पॉसिबिलिटी ऑफ टेक महिंद्रा एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स दैट रेंज इज लाइकली। Three days back to back we have a positive close, so you can expect couple of days of consolidation, but 520-530 ka jo band hai, that's a really strong resistance zone for the stock to watch for. जी, इसके अलावा मिड कैप आईटी में ही एक और स्टॉक है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, वो है एनआईटी टेक्नोलॉजीज का। स्पेशली फ्राइडे के सेशन में लास्ट का जो हाफ आवर था वो काफी इंपॉर्टेंट था इसके प्राइस बिहेवियर के लिहाज से। एक सडन स्पाइक आया जिसकी बदौलत ये 4.5% के आसपास के गेंस के साथ क्लोज हुआ। फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो ऑर्डर फ्लोज कंसिस्टेंट रहे हैं बीते कुछ क्वार्टर्स में। डिजिटल सॉल्यूशंस पर कंपनी काफी फोकस कर रही है जिससे जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो एनहांस हुई है, और मार्जिंस में भी हमने इंप्रूवमेंट देखी है। गौरांग आपके कमेंट्स क्या हैं एनआईटी टेक्नोलॉजीज पर? नई खरीदारी की कवायद तो हम इस स्तर पर नहीं करेंगे, एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज थी और हमारे जो लक्ष्य निर्धारित किए थे दीपाली उसके बहुत करीब चल रहा है, तो अगर आपकी पुराना निवेश आपके पास तो बने रहे। इस बीच में एक बार चलता हूँ मिड कैप पे, अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें बहुत सारे स्पेसेस की हमने जिक्र किया, आपको याद होगा ऑटो एंसरी का जिक्र किया दीपाली ने, फिर हमने वाइट गुड सेगमेंट का जहाँ पे वोल्टास को लेकर चर्चा करी, लेकिन अगर एक ब्लेंडेड अप्रोच लेके चले जिन जिन स्टॉक्स में तेजी थी, आप एक देखिए एबीजे शिपयार्ड क्या अच्छी तेजी, 16% चढ़ के काउंटर बंद हुआ था। उसके बाद देखिए आप एक बजाज हिंदुस्तान शुगर स्पेस में, इसने भी काफ़ी डोमिनेट किया, लेकिन ऑटो एंसिलरी में ही और ऑटो से जुड़ा ही एक टायर स्पेस जो कि चार्टी के लिए अब एक क्लियर मैंडेट दे रहा है, मैं इस पर पहले अपनी बात करना चाहूँगा। अपोलो टायर्स को देखिए, सीएट को देखिए, जेके टायर्स को देखिए, आई मीन देखिए इनकी टेंडेंसी कैसी थी, इसे कहते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, जब स्टॉक नीचे खुले और ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में जाके बंद हो, दैट मींस एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, प्राइस अच्छा है, फ्यूचर्स में कॉस्ट ऑफ कैरीज है वो काफी अच्छी खासी है। जय, आप इस वक्त किन किन स्टॉक्स को विद इन द बास्केट ऑफ टायर स्टॉक्स चेज करना चाहेंगे? आई मीन टेक्निकली जो कि बहुत साउंड लग रहे हैं, मेरे स्क्रीन पर इस वक्त अपोलो टायर्स है, मैं ये कह सकता हूं कि क्लियरली ये एक स्ट्रेंथ वाले जोन में एंटर कर रहा है, आपकी अप्रोच क्या होगी इस पे? बिल्कुल, इनफैक्ट काफ़ी एक अच्छी रिकवरी देखने मिली है उन्होंने, खास कर सीएट और अपोलो टायर्स में वीरेंद्र, तो आई थिंक सीएट में काफ़ी एक अच्छा रनअप ऑलरेडी देखने मिल चुका है, और जब एक 5 वेव राइज पैटर्न हमें जो देखने मिलती है वो उसका 5th वेव में, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड सीएट एज ऑफ नाउ, बिकॉज काफ़ी चल चुका है तो रिस्क और फेवरेबल नहीं है, बट अपोलो टायर्स में अभी भी थोड़ी बहुत जगह ऊपर की तरफ बची है। आई थिंक यू आर क्वाइट राइट कि कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट देखने मिला और उसका डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस तक ये स्टॉक जा सकता है, उसके लेवल्स करीबन आ रहे वीरेंद्र 193 तक, तो आई थिंक अपोलो टायर्स में 193 ये बाई करना चाहिए। नीचे की तरफ अब 168 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट है, उसको स्टॉप लॉस लगाकर वहां पे बाई करना चाहिए, और जेके टायर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, इसमें इतने मूव्स नहीं देखने मिल रहे कंपेयर टू अपोलो और सीएट, तो आई थिंक यहां पे भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है और यहां पे ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। आई थिंक वीरेंद्र जेके टायर में भी एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, ऑन द अपसाइड मिनिमम शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेगा 93 का, और जो दिन 93 पार करता है ये स्टॉक आई थिंक स्ट्रेट अवे उसके रेजिस्टेंस डायरेक्टली आता है 105-110 पे, तो आई थिंक ये स्टॉक में भी ध्यान रखना चाहिए। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव, एज़ इट इज़ 20 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त अभी दिखा रहा है। तीन जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, गौरांग शाह हैं, अभिजीत पॉल हैं और जय ठक्कर हमारे साथ हैं। कुछ और शेयर्स यहां पर खबर है, अदानी समूह पर आप नजर रख सकते हैं, अदानी एंटरप्राइजेस पर नेगेटिव खबर है, पीएनजीआरबी ने लखनऊ में सीएनजी लाइसेंस रिजेक्ट किया है कंपनी का, और ये लाइसेंस दिया है गेल और आईओसी के ज्वाइंट वेंचर को, तो नजर रखिए गेल और आईओसी पर, दोनों के लिए पॉजिटिव खबर है। अदानी पोर्ट्स पर पॉजिटिव खबर है, प्रीवियस सेशन में हमने अच्छा स्पर्ट भी देखा था शेयर में, 2-3% गेंस के साथ स्टॉक क्लोज हुआ था, और आज खबर है कि 40 लाख गिरवी शेयर कंपनी छुड़ाए हैं, तो डेफिनेटली इसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। लेकिन आज की ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब उस पर बातचीत कर लेते हैं। विदिन कौन से वो दो स्टॉक ऑप्शंस होंगे जिन पर बैठ किया जा सकता है? जी देखिए, जी कैपिटल ने राय दी है आज दो स्टॉक्स पे, याद रखिएगा इंडसइंड बैंक पहले चार्ट दिखाइए, फिर उसके बाद अगर आप देखें कॉल पे आएंगे। जी कैपिटल की अगर आप देखें राय है, ये स्टॉक जो कि 16 रुपए बढ़ के बंद हुआ,
आपको 960 की कॉल खरीदनी है 960 की, 5 रुपए के आसपास, और इसका लक्ष्य करीब 12 रुपए रखें और स्टॉप लॉस करीब 2 रुपए। याद रखिए ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, तो जरा डिसेंट तरीके से स्टॉप लॉस और टारगेट पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करिएगा। और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ भी शुक्रवार को काफ़ी अच्छा खासा मूव था, और कोटक महिंद्रा बैंक पे इन्होंने वकालत की है कि आप इसकी जो स्टॉक डे हाई पे बंद हुआ लगभग 660 की कॉल खरीदें 10 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस यहाँ पे 6 रुपए का रखना है आपको और 20 रुपए का लक्ष्य है। दोनों स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में सबसे मजबूत स्टॉक्स की ट्रेजेक्ट्री में यही है। आई थिंक अगर अभिजीत मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ दीज टू अगर मैं थोड़ा सा और फिल्टर करना चाहूं और आश्वस्त होकर और एक मैंडेट लेकर आगे बढ़ना चाहूं, इन दोनों में से क्या पिक करेंगे आप आउट ऑफ इंडसइंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक? Virendra, the private sector banks have been doing well, but jo IndusInd Bank, Kotak Mahindra Bank and kuch had tak HDFC Bank mein bhi pehle dikha tha, is they're within a very wide multi-week, multi-month range. They have been exceptionally good if someone is trading, buying close to the support, selling close to the resistances. Agar IndusInd Bank ka baat kare, if you see that the stock has been within this range of 970-75 on the upside, niche mein 800-810 ka ek support hai. And it's been there oscillating within this range for a very long time. Trendless hai to a lot of extent, but trading opportunity is fairly high. So Kotak Bank, IndusInd Bank, I think approach from now on would be more in terms of short-term trading rather than long-term, because yes, the long-term trends are still up, but jo ye range hai, the stock needs to come out of this range, both IndusInd Bank as well as Kotak. चलिए इस बीच हमारे साथ डेरिवेटिव्स पर टेक्निकल से बात करने के लिए सिद्धार्थ भी हैं, बातचीत करेंगे। सिद्धार्थ भामरे, सिद्धार्थ गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सिद्धार्थ, जो हमारे प्रीवियस डिस्कशन जब भी हुए हैं तो उसमें हमने एग्जैक्टली आपके आउटलुक्स में ये चीज़ भी देखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस जो आपका होता है वो ये होता है कि एफ आईज है वो क्या अप्रोच लेके चल रहे हैं इंडेक्स पर, किन ऑप्शंस पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कॉल्स में उनकी जो पोजिशंस है वो कैसी है, पुट्स में उनकी पोजिशंस कैसी है। इस महीने इस सीरीज में जितना पैसा उन्होंने झोंका है कैश में, इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में, एग्जैक्टली वो किस तरीके का रहा, पैटर्न क्या रहा, और उस पैटर्न को देखते हुए इस सीरीज का ये जो अंतिम पड़ाव है वो कैसा लगता है आपको सिद्धार्थ? गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर योर ऑब्जर्वेशंस। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे फेब सीरीज के एंड में भी कि जब मार्केट जब करेक्ट हो रहे थे तो FIIs की इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस नहीं बन रही थी, और जब जब ऐसा हुआ है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में उनकी अगर शॉर्ट पोजीशंस नहीं बनी है तो फॉल बड़े नहीं होते हैं। सेम विद द अपसाइड मार्केट, कि अगर इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर वो लॉन्ग नहीं जा रहे हैं तो एक बड़े अपसाइड मूव्स नहीं आते हैं। लेकिन मार्च सीरीज में आफ्टर बजट हमने देखा है कि एग्रेसिव इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशंस बनी है, नॉट जस्ट इन निफ्टी बट ऑल्सो इन बैंक निफ्टी, और हमने देखा है कि ये साथ ही साथ पुट ऑप्शंस बाय कर रहे हैं। पहले इन्होंने एग्रेसिवली 71-7200 के पुट ऑप्शंस बाय किए थे, इनफैक्ट दो दिन में 8000 करोड़ के आसपास का बाय फिगर आया था इंडेक्स ऑप्शंस में FIIs का। बिल्कुल, फर्स्ट वी वर थिंकिंग दैट इतना हाई क्वांटम ऑफ इंडेक्स ऑप्शंस बाय किया है एंड दैट टू मेनली पुट ऑप्शंस, तो मे बी इट माइट बी नेगेटिव। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने अपनी इंडेक्स फ्यूचर्स की जो बाइंग की जो पोजीशंस है वो क्वांटम उन्होंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन सीन दैट जब जब FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग किए हैं और उसे हेज करने के लिए पुट ऑप्शंस बाय किए हैं तब तब मार्केट में एक बड़ी रैली आई है, और अब हम देख रहे हैं कि ये जो रैली है ये कंटिन्यूएशन हो रही है। इट इज़ वेरी इजी टू से नाउ कि 77-7750 इज क्वाइट लाइकली। मुझे नहीं लगता कि मार्केट में किसी को ऐसा सोचना चाहिए कि अब मार्केट काफ़ी बढ़ गया है, अब यहाँ से ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट पोजिशन बनाना चाहूँगा। अपार्ट फ्रॉम FIIs ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि अभी भी सिस्टम में थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजिशन है, और खास करके ऑप्शन सेगमेंट में आप देखोगे कि डिस्पाइट मार्केट बींग अबाउ 7500-7600 75 और 7600 के कॉल्स में काफ़ी सारे अभी भी बिल्टअप है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज मोर ऑफ शॉर्ट पोजिशन बाई पीपल हु आर नॉट एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू गो अबाउट 7500-7600।
So my suggestion is that not to short this market. If you have long position, continue to hold on to your long positions. We are heading towards 77-77.50. वहाँ पे एक fresh call ले सकते हैं market का. जी सिद्धार्थ, दो सेक्टर्स, एक तो मेटल्स जहां पर लगातार खरीदारी हो रही है, ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं सभी स्टॉक्स पर, फिर चाहे वो वेदांता हो, हिंडालको हो, तो इन स्टॉक्स पर अभी स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए? और दूसरा सीमेंट पैक, जहां पर हमने पोस्ट बजट काफी बाइंग इंटरेस्ट में मौजूद होते हुए देखे हैं, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, कुछ छोटे नामों में भी हमने काफी अच्छी खरीदारी देखी है, लेकिन अगर इन दोनों ही पॉकेट से एक स्टॉक पिक करना हो तो सबसे बेस्ट प्लेस आपको कौन से दो शेयर्स लगते हैं? सीमेंट स्पेस में मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एसीसी में हमने देखा कि अच्छा उछाल आया लेकिन इतना बिल्टअप नहीं हुआ है. अंबुजा में उछाल आया है और साथ ही साथ लॉन्ग पोजीशंस भी देखिए. मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, हालांकि यू नो दो हफ्ते पहले ऐसा लग रहा था कि इसमें ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, तो वो प्ले आउट हो चुका है कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आया है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू रहेगा? आई हैव माई डाउट्स ऑन इट. हम देख रहे हैं कि ग्लोबली कमोडिटी प्राइजेस बढ़ रहे हैं और आपने देखा रहेगा कि किस तरह से ऑयल प्राइसेस भी बढ़े हैं और ओएनजीसी केन, जिनके काफ़ी सारी दुविधा है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, फिर भी वो स्टॉक्स में अच्छी रैली आई है. मेटल स्टॉक्स में जस्ट अभी स्टार्ट हुए है रैली, तो मुझे लगता है कि अभी भी स्कोप है. और मैं खास करके यू नो एल्यूमिनियम और जिंक टाइप ऑफ मेटल्स की बात कर रहा हूँ, स्टील की नहीं. मुझे लगता है कि हिंडालको में यहाँ से और थोड़ी तेजी बन सकती है. वेदांता में थोड़ा बहुत यहाँ से और अपसाइड मूव है, मे बी इट कैन टच यू नो थ्री फिगर्स सून. बट अगर मुझे एक कोई पिक करना होगा तो आई वुड नॉट पिक सीमेंट स्पेस. मेटल स्पेस में हिंडालको में पॉजिटिव बाय से ट्रेड करूंगा. टाटा स्टील मुझे लग रहा है कि 315-320 के आसपास इसको अच्छा रेजिस्टेंस है. 285 अब एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है, तो उसमें शॉर्ट ट्रायंगल की जा सकती है. वी ऑल नो दैट टाटा स्टील में ऑप्शंस की लिक्विडिटी काफी अच्छी है. सिद्धार्थ, एक और चीज अगर आप देखें, निफ्टी बैंक पर आपका आउटलुक क्या है? निफ्टी बैंक जो कि अभी भी अगर आप देखें, निफ्टी जब शुक्रवार को 100 डेमा पार कर गया, ये अभी भी वहां से अगर आप देखें कई 100 पॉइंट दूर है. निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या होगी? और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आईवीज काफी, वेगास काफी नीचे हैं सिद्धार्थ, सो ऑप्शन राइट करके तो बहुत कुछ पैसा नहीं मिलेगा इस वक्त. आप एग्जैक्टली ऑप्शंस के जरिए निफ्टी, ये बैंक निफ्टी को कैसे प्ले करना चाहेंगे? मैं दो चीज स्ट्राइक कर रहा था सिद्धार्थ, एक तो ये कि 16,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोक्सीमेटली 9 लैक्स और 15,500 का अप्रोक्सीमेटली पुट जो लेके खड़ा है वो 4.63 लाख शेयर्स. एग्जैक्टली आपकी रीडिंग क्या कह रही है इसको लेकर? पहला ये होगा कि बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स आर सो वेरी एक्टिव, तो पहला आपका प्राइमरी व्यू फ्यूचर्स के डेटा के हिसाब से बनेगा और उसके बाद आप ऑप्शंस पे जाओगे. तो फ्यूचर्स का डेटा क्लियरली बता रहा है कि लॉन्ग पोजीशंस बन रही है. इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी अगर आप देखें तो 1.5% बैंक निफ्टी बढ़ा है, निफ्टी बैंक बढ़ा है और साथ ही साथ 13% राइज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है. FIs भी इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं, तो एक क्लियर हो जाता है कि डायरेक्शन पॉजिटिव है. 15,700 का पहला टारगेट था, वहां पे हम आ चुके हैं. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 16,200, तो ये फ्यूचर्स का व्यू बता रहा है. आपके ऑब्जर्वेशन राइट है कि IVs कम हुई है, लेकिन आप प्री करेक्शंस की अगर IVs देखें तो हम 12-13 की निफ्टी की IVs तक गए हैं, हम 15-16 की IVs बैंक निफ्टी में भी गए हैं. तो उस हद से उस लिहाज से अगर मैं देखूं और इतनी बड़ी रैली होने के बावजूद भी अगर बैंक निफ्टी के IVs अराउंड 1920 है और निफ्टी के IVs अराउंड 15-16 है, स्टिल आई फील कि देयर इज अ स्कोप ऑफ रिडक्शन इन इंप्लाइड वोलेटिलिटी. मेरा मानना यह है कि ये अपसाइड को आप फ्यूचर्स से प्ले करें, कंटिन्यू विद द लॉन्ग पोजीशंस और ऑप्शंस में ही अगर किसी को प्ले करना है तो यस योर ऑब्जर्वेशन इज राइट. जो 16,000 का आपने 9 लाख शेयर्स का जो ओपन इंटरेस्ट गिनाया है, दैट इज मोर ऑफ सेलिंग. तो अगर बैंक निफ्टी 15,800 के ऊपर जाता है तो उसमें कवरिंग आ सकती है. तो इफ समवन रियली वांट्स टू प्ले ओनली इन ऑप्शंस, देन गो लॉन्ग इन 15,800 और 16,000 कॉल ऑप्शंस ऑफ निफ्टी बैंक. ओके जी. इसके अलावा दो और पॉकेट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है. पहला तो एक यूबी ग्रुप, जहां पर माल्या के खिलाफ जो जांच का दायरा है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है और अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सेबी को इनसाइडर ट्रेडिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी कुछ गड़बड़ियां मिली हैं और अब यूबी ग्रुप में डीआरजी या फिर जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनसे पूछताछ हो सकती है, उनको भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है. तो पूरे यूबी ग्रुप पर आपको नजर रखनी है और इस पूरी पॉकेट से एक स्टॉक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स का, जो कि बीते हफ्ते
कंसिस्टेंट अपट्रेंड में था और फ्राइडे के सेशन में भी आखिरी सत्रों में इसने एक अच्छा स्पाइक दिखाया था, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स। दूसरा रहेगा जेम्स एंड ज्वेलरी पॉकेट, जहां पर जो 19 दिनों की हड़ताल है वो खत्म हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इंडिकेशन दिए भी है कि एक्साइज ड्यूटी के नाम पर ज्वेलर्स को परेशान नहीं किया जाएगा और इस पॉकेट से पीसी ज्वेलर्स पर आप फोकस कर सकते हैं, जो कि बीते पूरे हफ्ते लगातार दबाव में था और फ्राइडे को भी कमजोरी के साथ ही क्लोज हुआ है। सिद्धार्थ, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है, जिस तरह का ट्रेंड दिखा है लास्ट वीक, अभी एग्जैक्टली अप्रोच आपकी क्या रहेगी पीसी ज्वेलर्स और यूनाइटेड स्पिरिट्स दोनों पर? यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूँ, नहीं बता पाऊंगा, और पीसी ज्वेलर्स में एक डेरिवेटिव्स एनालिस्ट को कम से कम 3-4 महीने का डेटा चाहिए रहेगा, और जो नहीं है पीसी ज्वेलर्स में, तो दोनों स्टॉक के ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके सिद्धार्थ, एग्जैक्टली अभी हमने निफ्टी बैंक की बात करी, चलिए अब निफ्टी बैंक को छोड़ के अब स्टॉक फ्यूचर्स पे आते हैं, उन 12 स्टॉक फ्यूचर्स पे जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। एग्जैक्टली आउट ऑफ दीज 12 अगर आपको प्ले करना है लॉन्ग साइड पे, वो स्टॉक्स जो कि एक रेंज में काफी समय बिता चुके हैं और कभी भी इस रेंज से ब्लास्ट करने के चांसेस लगते हैं आपको, वो कौन सा होगा सिद्धार्थ? इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में मैं एक पॉइंट कहना चाहता था निफ्टी बैंक का, जो मैं भूल गया कि इसके जो हैवी वेट स्टॉक्स है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, अगर आप चार्ट पे भी अगर किसी एनालिस्ट को पूछेंगे तो इसमें एक ब्रेकआउट सा दिख रहा है और इसमें लॉन्ग पोजीशंस भी बनते हुए दिख रही है। पहले इनमें जो अप मूव आया उसमें इट वाज मोर ऑफ शॉर्ट कवरिंग और अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशंस दिख रही है और आप अगर इसमें SBI और PNB का भी अगर स्ट्रेंथ ऐड कर ले तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट यू नो मोर देन 50-60% ऑफ बैंक निफ्टी वेटेज। तो ये स्टॉक्स मुझे लग रहे हैं कि वुड कंटिन्यू डू वेल। पहले बिगनिंग ऑफ दिस रैली वी वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स PSU बैंक्स बिकॉज हमें लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। अब हमें लग रहा है कि लॉन्ग पोजिशन जो बन रही है वो प्राइवेट सेक्टर स्पेस में बनेगी और उसमें हमें लग रहा है कि एक्सिस बैंक और ICICI बैंक टॉप कंटेंडर रह गए यहाँ से भी अच्छा मूव देने के लिए।